गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर स्थित है और गोलकोंडा काकतीय राजवंश की रानी रुद्रमा देवी ने 1270 ईस्वी में बनाया था। मंगलवरम पहाड़ को मिट्टी की ऊंची दीवार से गोल आकार में घेरा गया और उसका आकार कुंड के जैसा था, इसलिए किले का नाम गोलकोंडा पड़ा। किले की ऊंचाई 120 मीटर और तटीय दीवार की कुल लंबाई 6 किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नितिन गायकवाड एंड यू आर वाचिंग वी कैन मस्ट इन सम नॉलेज। सब्सक्राइब टू माय चैनल वी कैन मस्ट इन सम नॉलेज एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ये किले का मुख्य दरवाजा है और इसका नाम बाला हिसार। बाला हिसार के सामने बनी ये दीवार औरंगजेब ने बनाई थी। आइए अब देखते हैं वास्तुकला और आवाज का जादू। आवाज का ये इशारा 435 फुट दूर उस बारादरी यानी दरबार हॉल तक हम साफ साफ सुन सकते हैं। और ये है खूबसूरत नगीना बाग। इसी रास्ते से सुल्तान बारादरी यानी दरबार के तरफ अपने अंगरक्षकों के साथ जाते थे। और ये है नगार खाना। यहाँ शादियों में कभी शहनाई बजाई गई और कभी जंग के नगाड़े बजाए गए। ये तारामती पैलेस है। ये 350 पत्थर की सीढ़ियां आपको बारादरी यानी दरबार हॉल की तरफ ले जाएगी। एक समय गोलकोंडा हीरे का सबसे बड़ा बाजार था और यहाँ पे कोहिनूर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा गया था। किले की दीवार बनाने के लिए पहाड़ के पत्थरों को काटा नहीं गया, वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उनका इस्तेमाल किया गया। Now we are almost at the top. This is Amarkhana. ये शाही परिवार का गोदाम है, यहाँ पे शाही परिवार का अनाज रखा जाता है। Thank you.
ये मस्जिद इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने 1560 ईस्वी में बनाई थी। ये देवी मंदिर आज भी पुराने काकतीय राजवंश की याद दिलाता है। ये है बारादरी, यहां सुल्तान का दरबार हुआ करता था। इस बारादरी की छत किले की सबसे ऊंची जगह है। इस ऊंचाई से हमें किला बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। ये जनाना मस्जिद है। और ये है श्रृंगार कोठा, यहाँ सुल्तान की बेग में अपना साज श्रृंगार करते थे। Thank you.
और ये है सुल्तान का महल, सुल्तान की ख्वाबगाह। ये असलत खाना है, यहाँ गोला बारूद रखा जाता था। Hey, thanks for watching. Like it, share it and subscribe it. Thank you.